बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगे चिकन काट लिया है। बिस्मिल्लाह, बहुत ही मज़े का व्लॉग होने वाला है। आप पूरा व्लॉग देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और आपने मुझे अपना फीडबैक भी देना है और बताना है आपको कैसी लगी वीडियो। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें कीजिए। यहाँ पे जो चिकन है कलर चेंज कर लिया है और यहाँ पे हम मिला देंगे साशे, ये इनका अपना ही था। इससे पहले कि जले हम इसमें डालेंगे पानी, मसाला भी पक जाएगा। एक गिलास पानी डाल लेना है। और हमारा चिकन भी टेंडर हो जाएगा। ढक देती हूँ 5 मिनट के लिए। यहाँ पे साथ ही मैंने चाय चढ़ा दी है। ये चाय है, सालन नहीं है। इसमें मैंने डाले हैं सौंफ और दालचीनी का टुकड़ा। अच्छा, मैंने अक्सर लोगों को देखा है चाय बनाते वक्त ना, पता नहीं चाय कम और वो कोरमा ज़्यादा लग रहा होता है। ऐसा नहीं करें। अगर आपको फ़र्ज़ करें अदरक वाली चाय पीनी है तो एक टाइम में आप अदरक वाली बना लें, एक टाइम में आप सौंफ वाली बना लें, एक टाइम में आप दालचीनी वाली बना लें। ये नहीं कि सारा कुछ ही उसमें अगर मिक्स कर देंगे, आप यकीन कीजिए वो चाय कम और सालन ज़्यादा लगेगा। इसलिए जब भी चाय पिए तो उसकी ना आप अपने पास ही करके रख लें कि इस वक्त में मैंने अदरक वाली चाय पीनी है और उसमें एक दो साबुत काली मिर्चें डाल दें, बेशक उससे और ज़्यादा अच्छा जायका होता है उसका। इस तरह से चाय को चाय के साथ ही लुत्फ़अंदोज़ हों। ये जी कहवा हमारा रेडी हो गया है, डाल दिया है। दूसरा बॉयल आ गया और ये भी तीसरा बॉयल आ गया। चाय हमारी रेडी। और यहाँ पे जी हमारा चिकन भी रेडी है। इसमें डाल देती हूँ कैरेट, कुछ गाजरें रखी हुई थी मैंने। अभी ग्राइंड की है फ्रेश ब्लैक पेपर। हमारा ये मसाला रेडी है। इसमें अब हम ये जो हमारी बॉइल्ड मैक्रोनी और पीस है ये डालते हैं। इसको अच्छा सा मिक्स करके फिर मैं करूँगी टेस्ट। अगर मुझे लगा कि इसमें ब्लैक पेपर या और सॉल्ट की ज़रूरत है तो ऐड करूँगी, वरना ये रेडी। अगर यहाँ पे आके आपकी बॉइल्ड मैक्रोनी जुड़ भी जाए तो इसको फौरन फौरन ना ही हिलाएं, उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। यहाँ पे ना स्टीम आएगी, थोड़ी हो जाएगी सेपरेट। ब्लैक पेपर और हरी मिर्चों का थोड़ा सा टच दिए, इससे खुशबू और जायका दोनों में ही बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। और साहब को चाय दे दी थी। यहाँ पे मैंने अपने चाय में डाली है चीनी, छोड़ी नहीं जाते सालम, क्या करूँ। बहुत कोशिश करती हूँ, अब कम पे तो आ गई हूँ लेकिन छोड़ी नहीं जा रही। अच्छा, बात कर रही थी संडे के व्लॉग की। संडे का व्लॉग स्टार्ट किया है। पूरा वीक जो हम काम करते हैं जॉब वाले, तो गवर्नमेंट समझ रही होगी या जॉब जो हमारे सरबराहान हैं वो समझते होंगे कि हम संडे को अयाशी करेंगे। और घर वालों को ये होता है कि सारा हफ्ता तो इन्होंने आराम किया है, अब पूरे हफ्ते के जो पेंडिंग काम है ना वो करें। तो बस ऐसे ही संडे गुजरता है। समटाइम तो व्लॉग की भी फुर्सत नहीं मिलती कि बंदा व्लॉग ही बना ले, इतने काम 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 हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, नाश्ता कर लिया और बेटी को पास्ता भी बना दिया और अब आ गया है लंच का टाइम। लंच में बना रही हूँ मटन और लौकी। देखते जाइए, बड़ा सादा तरीका है मेरा, लून मिर्चा सट्टो तो बना लो इन, बस इतना मज़े का सालन बनता है ना। और सही वाला जो जो टेंडर हुआ होता है ना, मुझे वही अच्छा लगता है। ये भुनियाँ दे दे के जो चीज़ की ग़ज़ाइत है ना वही ख़त्म कर देनी, मुझे भी पसंद नहीं और हमारे साहब को भी पसंद नहीं है। आप इस तरह से बनाएं, अच्छा सा टेंडर हो जाएगा। ऑयल डालें और इसमें सब्ज़ी डाल दें। कामों की बात कर रही थी, आज मेरे साथ कोई हेल्पर भी नहीं है। और जब मुझे छुट्टी होती है तो हेल्पर्स ऐसे जाती हैं जैसे गधे के सर से सींग। उनको पता होता है कि पूरे हफ्ते के वट निकल जाने ने साढ़े भी सारे, तो बेहतर है असी अज छुट्टी मार लीए। कोई भी किसी ने आप छुट्टी मारनी होंगी, किसी ने मार देंदियां ने। दादी मर गई जी, 10 साल पहला मरी होंगी, तो फूफी मर गई,
जोड़े रिश्तेदार नहीं पसंद होंगे वो जिंदियां नूं मार देंदियां ने, अल्लाह भला करे उन्हां दा। बस फिर क्या, काम 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 तो करना ही होता है ना। अभी तो मैंने आपको पूरी गिरदान सुनाई थी कि घर वेले वाले समझते हैं हम जॉब पे वेले होते हैं, जॉब वाले समझते हैं हम घर में वेले होते हैं, और हम वो हैं कि दिन क्या रात क्या, काम काम और काम। माशाल्लाह मैं बड़ा अच्छा प्यारा सा जी लौकी था ताज़ा वाला, अल्ले सड़ बुझ ही गया था, जल माची गया सारा मेरा पतीला। चावल बनाने लगी हूँ यहाँ पे, ऑयल देखें जी नहर लगा रही हूँ ऑयल की आज मैं भी। पुलाव बनाना है सब्जी के साथ, मटन सब्जी के साथ पुलाव बना रही हूँ। काम काम और काम, बस काम करते जाए। पता है मेरी दादी का कि पुत ती पुत दा ना चम नहीं प्यारा हुंदा, काम प्यारा हुंदा। आप यकीन करें आप, मुझे भी ऐसा ही लगता है। उस वक्त तो मैं ऐसे देखती थी कि हैं हम प्यारे नहीं हैं, बस काम प्यारा है इनको ना, यानी मैं इस चीज़ को बुरी बात समझती थी, चम नहीं कम नहीं चम प्यारा है। मैंने कहा हैं नहीं नहीं हाय क्या हो गया, चम नहीं काम प्यारा, यानी बच्चों का चमड़ा नहीं प्यारा होना चाहिए वालदैन को, उनका काम प्यारा होना चाहिए। अब समझ आती है वाकई बच्चों को पैरों पर खड़े करना है तो उनको काम का आदि बनाना होगा, और काम का आदि कोई भी इंसान एक दिन में नहीं हो जाता। साड़ियाँ मामा ने चंगी साड़ी वॉट लाई हुई सी ना, चंगे साढ़े तो कम करवाउंदियां सी, ते हुण अगलियां नूं भी पता भी है तो काम वाहवा कर लैंदियां ने, ते कराई रखो इन्हां तों काम, कराई रखो कराई रखो। लेकिन पता है काम काम करने से बंदा नहीं मरता ना थकता, फिर बंदा काम करवा के भी खुश हो जाए ना, बड़ा मज़े, बल्ले बल्ले सारी थकावट दूर, एंजॉय हो जाता है जिवें मसाज हो गया होवे पूरी बॉडी ते, सुकून नाल खा के सौ जाओ। लेकिन जब कोई रिवॉर्ड ना, अल्हम्दुलिल्लाह वैसे मुझे तो है, लेकिन सब लोग मेरे जैसे नहीं होते। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे, खुशियाँ दे। ये जी यहाँ पे बन रहा है पुलाव, पुलाव का रंग देखते जाएं आप। ये भी मेरा बड़ा सीधा सादा तरीका है। अल्लाह जी हुण एक जान तुसी आप ही देखते जाओ, इन्ने कम इन्ने इम्तिहान एक जान दे उत्ते, रोटियां भी पकदियां ने नाल, चावल भी पकते पए ने। लो जी दुध भी गर्म किया माशाल्लाह, चावल बहुत प्यारा है, यानी चावल नस्ल के हिसाब से चावल बहुत अच्छा है, और फिर टेस्ट भी इसमें बहुत अच्छा आता है माशाल्लाह। बस जी चावल हमारे तैयार हो रहे हैं और जी खाना खाएंगे और पौने साठ सड्डे ने सारे नवे लेके आनी है, फिर भी साठ सड़नी आप ही है। बाकी चीजा भांडे भूडे तमाशिया के ना दें ना कि इन्होंने तोड़ते, और बाकी बहुत ज्यादा तोड़ते हैं वो क्लेम करते हैं भांडे शांडे। मेरे डिनर सेट खा के देख लिया, रॉयल ऑफ जापान, अल्हम्दुलिल्लाह, मेड इन चाइना, अल्हम्दुलिल्लाह, मेड इन कोरिया, तानू कोई भांडे दी कोई नुक्कर साफ नहीं लगनी, सब टुटे भज्जे की करिए जी, मकरूह भी है ने ते सानू कोई इस्तेमाल करने पैंदे ने, मजबूरी है जे नहीं इस्तेमाल करांगे ते सारी बार चुक चुक तोड़ देंगे ते घर दे फिर हत्थां दे आकर रोटी असल तो ना नमाज में याद आता रहेगा कि मैंने चावल खाने। हेलो जी चावल बन गया, हेलो जी इम्तिहान वास्ते मैं बड़ियां मुद्दतों का, मेरे को एक क्लिप पे आया, मैं अपने भतीजे नाल बारे विच नहा रही हूँ, कौन कौन एदे तक पहुंची है तो मैंने जरूर तुसी कमेंट करके दसना कि कौन कौन एडे ते पहुंचे ना। अल्लाह हाफिज़।